हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबको नवोदय का जो इस वर्ष पिछले गत वर्ष जो पूछे गए जितना भी सवाल है मैथ का, रीजनिंग तो बन ही जाते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बन जाएंगे, ठीक है। तो आप जितने भी सवाल बनाया गया है रीजनिंग का, जितना भी है, पूरा इस वर्ष आसान सा पूछा गया है। तो सबसे पहले ध्यान देना है, मैथ है कुछ टफ है, तो आपको कोई भी बच्चा हो, भाई हो, बहन हो, घर बैठे पढ़ सकते हैं मोबाइल द्वारा। तो कैसे पढ़ाई होगा ध्यान दो, आप क्या करना है, सौरभ सामाजिक लिख कर और सब्सक्राइब कर दो। इससे क्या होगा, आप घर बैठे कोचिंग पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, और आसान सा पूरा जितना भी मैथ है आपको घर बैठे नवोदय का जो भी सवाल है सब मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान दो। तो बोल रहा है एक स्टोर में 5 सेब के पैकेट को 25 रुपया में, 5 सेब का दाम क्या हो गया, 25 रुपया। तो 25 सेब का दाम क्या हो जाएगा बोलो, 25 सेब का दाम क्या हो जाएगा बोलो, एक वो पैकेट में। ध्यान दो, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है, अगर नहीं समझेगा तो लगेगा कि कोई फेक चीज है। तो ध्यान दो, एक पैकेट में कितना सेब है, 5 गो है, और इसका दाम है कितना, 25 रुपया। एक पैकेट है, इसका दाम क्या है, 25 रुपया। तो 5 सेब का दाम क्या हो जाएगा, 5 सेब का दाम, यही 5 गो है ना, 1 2 3 4, 5 गो सेब का दाम हो गया 25 रुपया। तो एक पैकेट में कितना है बोलो, एक पैकेट में है उसको खरीदना है कुल कितना सेब, ध्यान दो, 27 गो सेब खरीदनी है, तो कितना रुपया देना पड़ेगा। तो ध्यान दो, 5 5 सेब का दाम हो गया 25 रुपया, और 25 सेब का दाम हो गया 25 गुना 5, क्योंकि एक पैकेट में 5 सेब है, तो कितना हो गया बोलो, 5, 27 गो सेब लेनी है, तो अभी कितना हो गया, 25 हो गया। तो 25 5 5 गो 25 गो सेब के दाम हो गया, कितना लेना है इसको, 27 सेब, तो पहले 25 25 गो सेब के दाम। और बोल रहा है एक सेब अगर अलग से लेने पर 6 रुपया लगाता है, अलग से लेने पर 6 रुपया, और पैकेट लेने पर सब में क्या होता है, 1 1 रुपया के बचत होता है। तो ध्यान दो, 25 सेब का दाम क्या हो जाएगा, तो 5 ये 5 रुपया करके पड़ा हुआ ना, तो 25 5 क्या हो गया, 125 रुपया हो गया। अलग से सेब लेने पर, अलग से सेब लेने पर एक सेब का दाम 6 रुपया, कितना सेब लेना है, 27, तो क्या हो गया 6 रुपया। तो क्या हो जाएगा, 2 सेब का दाम क्या हो जाएगा, 2 सेब का दाम क्या हो गया, 2 गो सेब लेना, 1 गो का दाम 6 रुपया, 1 से गुना करते हैं तो 6 हो जाता है, लेना है कितना, 2 सेब, तो इसको 2 से गुना कर दो, क्या हो गया 12। अब टोटल जोड़ दो, 12 रुपया हो गया, 2 सेब का दाम 6 रुपया पीस से है, तो 12 रुपया हो गया। कुल कुल कितना रुपया होगा, कुल होगा 100, कुल हो जाएगा 125 प्लस 12 बराबर कुल हो जाएंगे 127 रुपया। देखो अब 4 गो ऑप्शन होगा, जिसमें होगा 127 रुपया जितना नंबर में, वही क्या हो गया 137, कितना हो गया 125, और 12 क्या हो गया 137 रुपया आंसर, ठीक है। ध्यान से देखिए, संख्या 14 और 28 का HCF 14 है, तो LCM ज्ञात करना है। HCF मतलब होता है हाईएस्ट महत्तम समावर्तक, जो इंग्लिश में बोला जाता है, फुल फॉर्म होता है हाई कॉमन फैक्टर, LCM के होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर भी मल्टीपल, ठीक है। तो ध्यान देना है क्या करना है, दूसरा सवाल में ये सब का मतलब ना है, बोल रहा है महत्तम दिया हुआ है 14, तो LCM ज्ञात करना है। तो क्या करना है, आंसर लिखना है, ज़्यादा जितना शॉर्ट में बना सकते हैं, कारण कि टाइम बहुत कम रहते हैं, कंपटीशन हो नबुदय हो ये सब में थोड़ा टाइम कम रहते हैं, तो शॉर्ट में बना। कैसे बनाना है हम नियम बता देते हैं, अगर कभी भी देखेगा HCF दिया हुआ रहेगा तो LCM ज्ञात करना है, एकदम शॉर्ट रूल बताते हैं। LCM बराबर हो जाएंगे कितना है, लघुत्तम बोलो, 14 और कितना है, ध्यान से देखो, 14 और 28, ये दोनों को लिख दो, 14 गुने 28, अब बटा में क्या करना है, क्या है HCF क्या निकाला हुआ है, 14, यही तो 14 लिख दो, ठीक है, 14 दुना के 28, या 14 14 भी कटा सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 14 दुना के 28, जहां पर चारों ऑप्शन होगा उसको कलर कर देना है, ठीक है, यही तरह आसान सवाल है। फिर देखो हम तीसरा सवाल अभी फिलहाल रहने देते हैं, फिर हम तीसरा सवाल क्या करेंगे, आपको
यही तरह आप सब्सक्राइब कर दें, आपको हेड स्क्रीन पर ऑटोमेटिक चले जाएंगे। आप कोचिंग पढ़ने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, आपको करना क्या है, सिर्फ सब्सक्राइब कर दो और यहाँ पर जितना भी सवाल बनेगा आपके हेड स्क्रीन पर चले जाएंगे। ठीक है, अब कोचिंग पढ़ने का कोई ज़रूरत